3, 2, 1, मैथ्स। हाँ जी तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ स्टूडेंट्स बेसिकली तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक जो आपके सामने लिखा हुआ है और जो सेकेंड वाला पार्ट होता है इसका वो कुछ होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का मैं होल कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो वो जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है कि ये लॉज हमारे क्वेश्चंस करने के अंदर तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन ये लॉ हमारे को प्रूफ करना भी आना चाहिए क्योंकि कई बार स्कूल में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ, तो उस टाइम हमारे को हमारा प्रूफ भी आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे अब कि ये वाला जो हमारा प्रूफ है इसका हम एक कोई सा भी पार्ट कर सकते हैं, दूसरा पार्ट तो ऑटोमेटिकली हम सिमिलरली कर पाएंगे। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लें जो कहता है कि भाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अब अगर स्टूडेंट्स कोई भी दो सेट्स को, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा सेट है ये एक हमारा सेट है, अगर कोई भी दो सेट्स को हमारे को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ प्लीज एक बार गौर से सुनिएगा, अगर कोई भी दो सेट्स को हमारे को आपस में इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम उन सेट्स को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को प्रूफ करना है कि एक्स जो है वो इक्वल है वाई के, यानी एक्स सेट जो है वो वाई सेट के इक्वल है, तो मेरे को सबसे पहले तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि x जो है वो सबसेट है y का और प्रूफ करना पड़ेगा कि y सबसेट है x का। अगर आपको ये नहीं मालूम कि सबसेट क्या होता है तो प्लीज हमारा पुराना वीडियो जिसमें सबसेट के बारे में हमने बताया है प्लीज वो चेक इट आउट, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यानी अगर हमारे को इसको इसकी इक्वल प्रूफ करना है तो हमारे को इसको इसका सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा और इसको इसका सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा। अब एज वी ऑल नो सबसेट का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट कोई भी एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट x belongs to a union b का whole complement। यानी मैंने क्या लिया, मैंने एक element ले लिया ऐसे कोई भी x random x जो मैंने ले लिया कि जो a union b के whole complement को belong करता है, यानी जो x element है ये a union b के whole complement में है। अगर मैं अभी proof कर दूं कि x जो है वो इसमें भी belong करता है तो ये proof हो जाएगा कि ये इसका subset है। तो आइए देखते हैं। अब मैं जानता हूं कि अगर x a union b के होल कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब x जो होगा वो a union b के अंदर नहीं होगा, यानी x ना तो a को बिलोंग करेगा ना b को बिलोंग करेगा क्योंकि वो a union b के होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। तो यानी अगर x a को भी बिलोंग नहीं कर रहा है b union b को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब x ना तो a को बिलोंग करेगा एंड x will also not belongs to b। क्यों? क्योंकि अगर x a union b में नहीं है तो इसका मतलब वो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है। अगर स्टूडेंट वो a के अंदर नहीं है तो कहां पे होगा, a कॉम्प्लीमेंट में होगा, और अगर b में नहीं है तो कहां पे होगा, b कॉम्प्लीमेंट में होगा। अगर कोई भी एलिमेंट जो a कॉम्प्लीमेंट में भी है b कॉम्प्लीमेंट में भी है इसका मतलब वो जो है वो किसको बिलोंग करता है, वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, यानी दोनों के कॉमन पार्ट को बिलोंग करता है। तो हमने देखा कि हमने लिया था कि x एक आर्बिट्री एलिमेंट a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है और हमने प्रूफ कर दिया कि वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट प्रूफ कर रहा है। देयरफॉर वी कैन राइट दैट कि a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट होता है किसका, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, ये इसका सबसेट प्रूफ हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक दूसरा चीज जिसके अंदर हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे जो इसके अंदर बिलोंग करता है। अब हमने ले लिया कि लेट y b
n arbitrary element which belongs to A complement intersection B complement. अब हमने ले लिया y एक arbitrary element है जिसको belong करता है. अब हम proof कर देंगे कि y जो है वो इसको भी belong करता है. तो देखिए कैसे करेंगे. तो y अगर A complement और intersection को belong कर रहा है तो इसका मतलब y A complement को भी belong करेगा और y B complement को भी belong करेगा. अगर y A complement को belong कर रहा है तो y जो है वो A complement को belong कर रहा है तो इसका मतलब वो A को belong नहीं करेगा. एंड अगर वो B complement को belong कर रहा है तो इसका मतलब वो B को भी belong नहीं करेगा. यानी अगर वो A को भी belong नहीं कर रहा है और B को भी belong नहीं कर रहा है तो but of course अगर A में भी नहीं है B में भी नहीं है तो वो A union B में भी नहीं होगा. A union B में भी नहीं होगा. अगर A union B में नहीं है तो कहाँ पे है? A union B के और complement में तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर A union B में नहीं है तो A union B के और complement में होगा. अब हमने देखा कि हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके सबसेट है, तो यानी हम लिख सकते हैं कि A intersection जो होगा वो सबसेट होगा A union B के और complement का. तो अब हमने देखा कि ये हमने प्रूव कर दिया इसका सबसेट है, हमने ये प्रूव कर दिया ये इसका सबसेट है. तो by equation 1 and by equation 2, तो by equation 1 and 2 जो हमारी दो equations है 1 and 2 उससे हम लिख सकते हैं कि A union B का whole complement जो होता है वो A complement intersection B complement होता है. आप ऐसे ही जो ये second part है इसका similarity करके प्रूफ कर सकते हैं. ये तो स्टूडेंट्स हो गया हमारा एलजेब्रा ऑफ सेट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ. अब जनरल क्वेश्चंस करने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा. ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, प्लीज इसको अगर आप कहीं जॉट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ट्रिक क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एंड कब आएगा और कब आएगा. तो ये कंफ्यूजन को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है. बेसिकली हम जानते हैं हमारे पास दो ही साइंस होते हैं, एक तो होता है बिलोंग्स टू का और एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू का. और यहाँ पे भी हमारे पास दो ही चीजें होती है, एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन. तो यानी जब यूनियन में हमारे पास बिलोंग्स टू होता है तो वहां पे और आता है और इंटरसेक्शन में एंड आता है. और इसी का अपोजिट होता है डज नॉट बिलोंग्स टू में. यूनियन जहां पे होता है वहां पे एंड आता है और जहां पे इंटरसेक्शन होता है वहां पे और आता है. तो ये एक तरीके से स्टूडेंट्स आपके लिए टेबल है जो आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी. तो प्लीज इसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिए और भी कोई डाउट हो कुछ पूछना हो प्लीज डू लेट अस नो. थैंक यू.